तो आज की क्लास में हम आपको फॉर्मेट के कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप अपने फॉर्मूले पे इम्प्लीमेंट कर, अपने फॉर्मेटिंग पे डैशबोर्ड पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कुछ छोटे छोटे हैं लेकिन यूजफुल हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं और उसके साथ बाद में हम टी एच लिख देते हैं, अगर वर्ड में इस तरह का टी एच लिखते हैं तो उस ऊपर की तरफ चला जाता है लेकिन एक्सेल में नहीं जाता। एक्सेल में आपको डबल क्लिक करके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होगा एंड ऊपर फॉन्ट में जाना होगा, और फॉन्ट में यहां होता है सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके के लिए। अब देखिए आ गया टीएच, जी जी आ गया। ऐसे मुझे मान लीजिए कि 10 स्क्वायर करना है तो 102, अगर मैं 2 को यहां पे सॉरी 102 और 2 को सिलेक्ट किया तो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड सुपर स्क्रिप्ट। अभी दिख रहा है बट एंटर मारते नहीं दिखेगा क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट नंबर पे वर्क नहीं करता, सिर्फ टेक्स्ट पे करता है। तो अच्छा लगाना है और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड सुपर स्क्रिप्ट। ओके सर, जी जी समझ में आ गया। इसमें अगला जो ऑप्शन है जैसे 10 डिग्री करना है तो 10 और स्मॉल ओ कर दिया, और इस स्मॉल ओ को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड यहां पे सुपर स्क्रिप्ट। देखिए प्रॉब्लम ये है कि चलो ये तो चलो नंबर्स है, एक दो नंबर हम कर लेंगे, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट को मुझे डिग्री वाला फॉर्मेट देना है तो कैसे दे? आप बोलेंगे सर ठीक है मैं यहां पे ओ लिख देता हूं और फिर इसको सुपर स्क्रिप्ट करता हूं, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप एक सेल को सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट करोगे तो पूरी पूरी की पूरी वैल्यू आपको छोटी हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। सो आपको एक एक करके करना, वन बाय वन करना पड़ेगा, राइट जी। और आपके पास अगर 5-10 हजार का डेटा हुआ तो हमें लगता है कर पाएंगे नहीं, मुश्किल है। आपको विजुलाइज करना है, मतलब आपको एग्जैक्ट 10 डिग्री नहीं होना चाहिए बट विजुअल 10 डिग्री होना चाहिए, विजुलाइज के लिए सिर्फ चाहिए, तो उस केस में हम एक ट्रिक्स को अपना सकते हैं। हम इसके अगले सेल में हम ओ को लिखेंगे और इस ओ को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, इसके ऊपर फिर हम यहाँ आते हैं फॉर्मेट में, हम बॉर्डर पे आते हैं, नहीं बॉर्डर माफ कीजिएगा, हमें सुपर स्क्रिप्ट करना है पहले, माफ कीजिएगा पहले सुपर स्क्रिप्ट करना है फिर बॉर्डर अप्लाई करना है, सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद इस कॉलम को मैं बहुत ही छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको लेफ्ट में और टॉप में कर दिया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, अब मैं बॉर्डर पे आऊंगा, ऊपर का बॉर्डर, नीचे का बॉर्डर, लेफ्ट राइट का बॉर्डर और ये बीच का बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर मत रखिएगा, ठीक है, कॉलम टू कॉलम की जो बॉर्डर होती है वो मत रखिए। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड दो दो चीजें हैं, या तो आप जो है ग्रिड लाइन को रिमूव कर दें या फिर इसकी बैकग्राउंड वाइट कर दें, ठीक है सर जी ठीक है। तो आप जो है डिग्री के जैसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हो रहा बिल्कुल हो रहा। तो फॉर्मेट का मतलब यही होता है कि विजुलाइज कर देना, जैसा मुझे चाहिए उस तरह से इसको शो करना, ठीक है ठीक है। इसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि हम नंबर्स ही हमारे पास है, कुछ नंबर्स अगर गलत हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग उसको पेन और पेंसिल से क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं ना सर जी। जैसे कि मैं अभी जूम की टूल्स को लेता हूं और इससे मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं बट ये जूम का है ना, बट मैं चाहता हूं एक्सेल के थ्रू ही हो, समझे जी, क्योंकि प्रिंट वगैरह में नहीं आएगा। तो कैसे करें? तो अगर आपके पास कोई पैराग्राफ हो तो उसका करने का तरीका अलग है, जैसे कि मैं कोई पैराग्राफ यहाँ से उठा रहा हूँ, मेल पे कुछ आया होगा ना, पेमेंट ऑर्डर आया होगा ना, मान लीजिए इसी लाइन को उठा लेते हैं, ठीक
ठीक है, ये पूरा का लाइन लिखना है तो हमें एक बड़ा सा चाहिए होगा सेल, तो बड़ी सी सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। जब आप सेल मर्ज करते हैं तो आप कोई टेक्स्ट पेस्ट करना चाहेंगे तो कब पेस्ट होगा, जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे देन आपका पेस्ट होगा। ठीक है, उसके रैप कर सकते हैं, इस तरह से रैप कर दीजिए, साइज छोटा कर लीजिए जब तक विजुअल सही से विजुअल नहीं होता, इसको मिडल कर दीजिए। फिर भी नहीं हो रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो कंप्लीटेड है, जो कंप्लीटेड दिख रहा है ना, ये गलत वर्ड मुझे इसको शो करना है कि गलत है, तो मैं डबल क्लिक करके कंप्लीटेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी कलर रेड कर देता हूँ और फिर इस पे मैं फॉर्मेट सेल पे स्ट्राइक थ्रू दिख रहा है आपको, ऊपर स्ट्राइक थ्रू लग जी जी। तो अब कोई इस वर्ड को कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये गलत था, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना कि इसे गलत है। हाँ सही है, सही है। तो इसी तरह से यहाँ भी है, इसी तरह से आपका यहाँ भी है कि राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल और यहाँ बॉर्डर पे आइए और आप यहाँ इस पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कर सकते हैं। क्या कर लीजिए, कलर जो है रेड कर दीजिए और मैंने यहाँ इसको किया और इसको ओके कर दिया, क्योंकि ये जो स्ट्राइक थ्रू है इस पे अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अगर आप देखें स्ट्राइक थ्रू लगा के भी देख लीजिए तो ये आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा ये दिख रहा है। तो आप जो है राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाए, बॉर्डर पे आए, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करें और थिकनेस चेंज करनी है थिकनेस चेंज करें, सेलेक्ट करें इन दोनों को एंड ओके करें। और आपके कीबोर्ड में एक F4 का ऑप्शन है, F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अगर आपको F4 लगाना हुआ राइट का निशान जो हिंदी में 9 होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर ले लेते हैं, हमने इसको किया और इसको लिया एंड ओके। देखिए F4 करिए,